इन स्किबिडी टॉयलेट की ऐसी की तैसी, इतना ज्यादा इनको मार रहे हम लोग फिर भी लोग मरते ही नहीं है। जितनों को मारो फिर भी लोग आ जाता है। अबे यार ये लोग कब खत्म होंगे। और नया नया टाइप के बन के आ रहा है, ये देखो नया टाइप की स्किबिडी टॉयलेट आ चुका है, इनकी आंखें चमक भी रहा है। और एक आ चुका है सोल्जर टाइप का, इनको तो पहले भी मारा है। भाई ये लोग आ कहाँ से रहे। कैमरामैन भी मेरे साथ था, वो कहाँ पर चला गया है। ओके ये रहा कैमरामैन, कैमरामैन इधर इनको मार रहा है, मैं मार रहा हूँ, पता नहीं लोग कब खत्म होंगे। अबे यार मर जा। ऐसा लग रहा है इनको जितना भी मार लो फिर भी ये लोग बन के आ जाता है। मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे कि ये लोग जड़ से खत्म हो जाए और ये लोग आ ही ना पाए। अपन क्या कर सकते हैं। अरे हाँ जहाँ पर ये लोग बनते हैं अगर मैं उधर घुस गया तो शायद मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन इधर घुसना इतना आसान नहीं होगा। मुझे इनके बॉस को पहले ढूंढना पड़ेगा। इनके बॉस है कहाँ पर। ओके छत के ऊपर वो है। चलो मैं चलता हूँ उसके पास। तुम लोगों की ऐसी की तैसी। अभी मुझे इनके साइड ही ज्वाइन करना होगा। चलो अपन फटाफट चलते हैं इनके बॉस के पास। ए रहा इनका बॉस। ओए मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये चीज समझ आ गया है, तुम लोगों के खिलाफ हम लोग जीत नहीं सकते, तुम लोग सबसे ज्यादा पावरफुल। अच्छा तो तुझे आखिरकार समझ आ ही गया किसके भी टॉयलेट से कोई नहीं जीत सकता। ठीक है मैं मेरे बंदों से बोलता हूँ। ओए सब लोग टीवी-मैन को मारना बंद करो। ऑलराइट सच में इसके वजह से सारे लोग अभी कैमरामैन को मार रहे हैं, मुझे सब लोग भूल गए। ये तो काफी अच्छी बात है। अभी मैं तुम लोगों के साइड हो चुका हूँ। अभी तू मुझे लेके चल तेरे बॉस जी-मैन के पास। अरे ये चीज क्या इतना आसान है, मैं कैसे मान लूं कि तू नाटक नहीं कर रहा। इसलिए तुझे अगर प्रूफ करना है तू हमारे साइड है, तू जाकर कैमरामैन को मार फिर मैं देखता हूँ। इसको मैंने जितना फुद्दू समझा था इतना फुद्दू है नहीं। अब तो मुझे कैमरामैन को जाकर मारना ही पड़ेगा। चलो मैं ऐसे करना तो नहीं चाहता लेकिन अपन आ चुके इधर। कैमरामैन तैयार हो जा। एक हाथ तू। चलो इसको मैंने मार के बेहोश कर दिया है। अबे फिर से उठ के खड़ा मत हो यार, तू बेहोश हो जा। अरे तू उठ के क्यों खड़ा हो रहा है, बेहोश हो जा यार। टीवी-मैन ये तू क्या कर रहा है, तू मुझे क्यों मार रहा है, तूने मेरे साथ धोखा किया है, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। अरे भाई इसको कौन समझाए, ये सब मेरे प्लान का हिस्सा है, इसको मुझे बेहोश करना ही पड़ेगा। कमॉन कमॉन ए दू, चल बेहोश हो जा और उठ के खड़ा मत हो। चलो फाइनली अपन इसको बेहोश कर दिया है, लेकिन उसको लगा है मैंने इसको मार दिया है। चलो अभी मैं चलता हूँ उसके पास। ओए अभी तूने देखा मैंने कैमरामैन को मार दिया है, अभी तू मेरे को लेके चल तेरे बेस में, मतलब तेरे बॉस के पास। अरे तू क्या मुझे बेवकूफ समझता है, इतना आसानी से मैं कैसे मान लूंगा। तुझे पहले मेरे कुछ टेस्ट को पास करना होगा तब जाके मैं मानूंगा। अभी मैं तेरे साइड हूँ, प्रूफ करने के लिए मुझे टेस्ट भी देना होगा। भाई सब ये कितना खतरनाक और चालाक है, लेकिन मुझे सब करना पड़ेगा। चल ठीक है तेरा कौन सा टेस्ट है तू बता। मैं एक सुपर कार बाय करने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन उसके लिए चाहिए काफी ज्यादा पैसा, और पैसों के लिए तू एक बैंक में डाका डालेगा और मेरे लिए पैसा लेके आएगा, समझ गया तू। अरे तू मुझसे बैंक में डाका डालवाएगा। चल ठीक है तेरे लिए मैं चीज कर दूंगा। तेरे सामने है लॉस सेंटोस की सबसे बड़ा बैंक, तू जाकर उस बैंक को लूट और मैं इधर से निकलने का इंतजाम करता हूँ। अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। भाई साहब एक बार मैं तेरे बेस में पहुँच जाऊँ फिर मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा असली मजा। खैर जो भी हो अब मुझे बैंक को लूटना पड़ेगा मजबूरी में। चलो अपन चलते अंदर। लेट्स गो अपन अंदर आ चुके हैं। क्या कोई सिक्योरिटी नहीं है। ऑलराइट अरे भाई साहब सिक्योरिटी तो है इधर, लेकिन इस सिक्योरिटी की ऐसी की तैसी। सिक्योरिटी क्या है मेरा बिगड़ेगा। कम ऑन एल तू, चल निकाल इधर से। लेट्स गो, इसको उड़ा दिया। अरे भाई और भी कोई है। अरे इसको तो मैंने इग्नोर ही कर दिया था, मतलब इसको देखा ही नहीं था। चल तू भी ले। चलो इसको भी मार के बेहोश कर दिया है। अभी फटाफट से। अरे यार ये लोग भी अंदर अभी तक बैठा हुआ है, इनको भाग लेना चाहिए था। खैर जो भी हो। अरे भाई एक और बंदा आ चुका है। तेरी ऐसे कितने ऐसी। ये ले तू। चलो इसकी मैंने टांग में गोली मारा है। चलो अभी अपन चलते लॉकर में, देखते लॉकर की कैसी हालत है। अरे भाई लॉकर की डोर खुला हुआ है, शायद वो सिक्योरिटी गार्ड लॉकर के अंदर था और जब भाग के गया डोर को ओपन ही छोड़ गया। लेट्स गो। इधर तो बहुत सारा कैश रखा हुआ है, अपन फटाफट से सारे कैश को लेते हैं। अपन ने सारे के सारे पैसे को लूट लिया है। अभी जल्दी से अपन बैंक से निकलते हैं इससे पहले कि पुलिस वाले आ जाए। लेट्स गो। चलो अपन बाहर चलते देखते हो क्या रहा है। अरे बेवकूफ क्या कर रहा है, जल्दी से आके बाइक में बैठ। क्या कर रहे तू, हमें इधर से निकलना होगा। कम ऑन आजा। ऑलराइट चलो अपन इसकी गाड़ी में बैठ गए। अरे भाई तू जल्दी से बाइक भगा नहीं तो पुलिस वाले अपन को छोड़ेंगे नहीं। कितने सारे पुलिस वाले आ चुके हैं, इसके चक्कर में पुलिस वाले अब समझेंगे मैं ही बैंक को लूटा है, लेकिन मैंने मजबूरी में लूटा यार। जो भी हो अभी तुम मेरे साथ है, पुलिस वाले हमें कभी नहीं पकड़ सकता। ये देख मैं कैसे बाइक भगाता हूँ। सच में क्या खतरनाक तरीके से बाइक चला रहा है, ऐसी बाइक ड्राइविंग मैंने आज तक नहीं देखा है। पुलिस वालों के बीच से बाइक भगा रहा है, क्या खतरनाक है ये। अरे यार ये तू कहाँ पर लेके आ गया, ये तो किसी पार्किंग लॉट की छत पे आ चुके हैं। इधर से हम लोग भाग भी नहीं सकते। तुझे ऐसा लगता है हम लोग इधर से भाग नहीं सकते। ये देख मैं कहाँ से लेके जाता हूँ। नहीं तू पागल है क्या, अरे भाई इसने क्या रिजम लगा दी है बाइक लेकर। भाई तो मुझे मार डालेगा। ये मैं किसके साथ बैठ चुका हूँ बाइक पर। ओके आखिरकार पुलिस वाले से हम लोगों के पीछे छूटा है और ये मुझे लेकर आ चुके कार शॉप में। सच में इसको गाड़ी बाय करना है। अरे यार मुझे लगा इसको सिर्फ पैसे चाहिए। ऑल राइट ये रहा मेरा फेवरेट गाड़ी। इस गाड़ी को मैं बाय करूंगा, तू जाके पैसे दे। ओके ठीक है मैं इसको पैसे देता हूँ। ओए मेरा दोस्त ये वाली गाड़ी को बाय करेगा और ये ले तू पैसा इसके लिए। चल अभी मैंने तुझे गाड़ी को भी बाय कर दिया है, अब तो मुझे तेरे बॉस के पास लेके चल। अरे हाँ हाँ इतना जल्दबाजी किस चीज़ की है। तुझे बस मेरे आखिरी एक टेस्ट को पास करना है। तुझे जाकर मारना होगा स्पीकरमैन को, क्योंकि वही आखिरी वाला बच्चा हुआ है। अरे यार मैंने तेरे लिए इतना कुछ कर दिया है, अभी मुझे स्पीकरमैन को मारना होगा। लेकिन स्पीकरमैन को मैं ऐसे नहीं हरा सकता, उसने खुद को अपग्रेड करके रखा है। वो तो मुझे चुटकी में हरा सकता है। अगर तू चाहता है कि इसमें स्पीकरमैन को हरा दूं तो फिर तू मुझे अपग्रेड दे जिससे कि मैं स्पीकरमैन को हरा पाऊँ। मैं तुझे एक ही अपग्रेड दे सकता हूँ, लेकिन यह बात तू याद रखना, तुझे स्पीकरमैन को हराना होगा। अच्छा अच्छा ठीक है अपन हरा लेंगे, पहले तो मुझे अपग्रेड दे। ऑल राइट सच में इसने मुझे कितना गोले अपग्रेड दे दिया है, इससे शायद मैं स्पीकरमैन को हरा सकता हूँ। चल चलते स्पीकरमैन के पास। और स्पीकरमैन का अपन ट्रैक कर लिया है और स्पीकरमैन योगा कर रहा है। तू जाएगा और सीधा स्पीकरमैन को मारेगा। अरे सच में इसने स्पीकरमैन को ढूंढ लिया है। खैर जो भी हो मुझे स्पीकरमैन को अभी बेहोश करना ही पड़ेगा। और स्पीकरमैन मरने के लिए तैयार हो जा तू। टीवी-मैन मैंने सुना था तूने कैमरामैन को मार के बेहोश कर दिया था, अब तू मेरे पीछे आ चुका है। स्किबिडी टॉयलेट की साइड ज्वाइन करके तूने बहुत ही बड़ा गलती कर दिया है। मेरे अपग्रेडेड फॉर्म के साथ मैं आज तुझे इधर खत्म कर दूंगा। अब मैं इसको कैसे समझाऊं मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ। इधर मैं इसको मेरे प्लान बोल भी नहीं सकता, वो मेरे बहुत ही ज्यादा पास है, उसको पता चल जाएगा। चल ठीक है कौन किसको मारते मैं देख लूंगा, मैं भी अपग्रेड हुआ हूँ। तू चलो एक चटक में मैंने इसको बेहोश कर दिया है। अरे भाई नहीं ये तो उठ के मुझे मारने लग गया है। अबे यार मैंने तो तुझे सॉफ्ट पंच मारा था, ये तो मुझे बहुत ही खतरनाक तरीके से मार रहा है। अबे नहीं यार क्या ही मार रहा है। गाइस इस स्पीकरमैन को हराने के लिए आप लोगों की लाइक की जरूरत है, तो जल्दी से लाइक करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अबे रुक जा यार कितना मारेगा। चल आ जा जा। ए लद्दू भाई कितना तेज है। सच में इसने मुझसे ज्यादा खुद को अपग्रेड किया है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अगर मैं हार गया तो मेरे पूरी प्लान फेल हो जाएगा और ऐसा मैं होने नहीं दे सकता। अबे रुक जा यार कमान तेरी तो एक हाथ दूं। चलो इसको मैंने मार के गिरा दिया है। अरे फिर से उठ रहा है, चल बेहोश हो जा। Come on, ये ले। चलो आखिरकार शायद मैंने इसको हरा दिया है। मेरे साथ इसने पंगा लिया था। ओए देख मैंने इसको हरा दिया है। अरे बहुत बढ़िया किया तूने, लेकिन अभी उसका बेटा भी तो आ चुका है, उसको भी तुझे मारना पड़ेगा। अरे क्या सच में। अरे हाँ स्पीकरमैन का बेटा इधर आके रो रहा है। टीबी अंकल आप बहुत ही बुरे हो, आपने मेरे डैड को मारा है। अरे बच्चे तू गलत समझ रहा है, तेरा डैड मरा नहीं है, बस बेहोश हो चुका है। लेकिन इसको कौन समझाए, मैं जोर से बोल भी नहीं सकता। मुझे जरूरी काम आ चुका है इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये तेरे ऊपर नजर रखेगा। तू जल्दी से स्पीकरमैन के बेटे को मार और फिर आके मुझसे रिपोर्ट करना, ठीक है। ऑल राइट ये तो गाड़ी लेके जा रहा है। सच में इसको अच्छा गाड़ी मिल गया, क्या ही उड़ रहा है। ओए अभी तक तो खड़ा क्यों है, जल्दी से उस बच्चे को खत्म कर, फिर हम लोग चलते बॉस के पास। अबे ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मैं इस बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकता। तेरी ऐसी की तैसी, मैं उस बच्चे को नहीं मार रहा। तेरी इतनी हिम्मत, तू बॉस के ऑर्डर को मानेगा नहीं तो फिर मैं ही जाकर उस बच्चे को मारूंगा, फिर जाके मैं बॉस को रिपोर्ट करूंगा। तेरी हिम्मत है तो तू उस बच्चे को मार के दिखा। अरे सच में बच्चे के पास जा रहा है, तेरी तो एक हाथ। चलो इसके अपने बैंड बजा दिया है, अब ये नहीं बचा है, रिपोर्ट करने वाले पे कोई नहीं है। अरे बच्चे चुप हो जा, तेरा डैड थोड़ी देर में उठ जाएगा। चलो मैं चुपचाप इधर से निकल लेता हूँ, इससे पहले कि उसको सच्चाई का पता लगे। मुझे उसको जल्दी से ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं वो कहाँ पर चला गया है। ओके ये रहा इसका गाड़ी और इधर खड़ा होकर कॉफी पी रहा है। ओए मैंने तेरे हर एक टेस्ट को पास कर लिया है, अब तो मुझे तेरे बॉस के पास लेके चल। तूने सबको खत्म करके बहुत ही अच्छा किया है, अभी चल मैं तुझे बॉस के पास लेके चलता हूँ, सब लोग तेरा वेलकम करेंगे। फाइनली मुझे लेकर आ चुके हैं इनकी बेस पर इधर कैसे कैसे स्किबिडी टॉयलेट है। ऐसे स्किबिडी टॉयलेट तो मैंने आज से पहले कभी दिखा भी नहीं था। पेड़ वाले स्किबिडी टॉयलेट, ये कौन सा है, इसके मुँह तो बहुत ही ज्यादा ऊपर है। मिसाइल क्लॉ वाले स्किबिडी टॉयलेट, फ्लाइंग सॉ वाले स्किबिडी टॉयलेट। अरे भाई चल क्या रहा है, ये लोग तो बहुत तरह की स्किबिडी टॉयलेट बना रहा है। खैर एरा जी-मैन। अरे ये क्या, तू टीवी-मैन को हमारे बेस पे क्यों लेके आया है। बॉस अभी टीवी-मैन हमारे साइड हो चुका है, इसने कैमरामैन स्पीकरमैन सबको मार दिया है। अच्छा अभी तू समझ चुका है हमसे जितना इम्पॉसिबल है। खैर हमारे साइड ज्वाइन करके तूने सही किया है, अभी तू जिंदा रहेगा, नहीं तो बाकी जो भी बच रहा है उनके साथ तू भी मारा जाता। शुक्रिया बॉस आपके टीम में लेने के लिए। एक बार मुझे पता चल जाए कैसे तुम लोग अपने आप को बनाए तो फिर मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा अपने असली चलवा। बट अभी के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ये लोग हर तरफ फैले हुए हैं। जब ये लोग सो जाएंगे तभी मुझे मेरे काम करना है। लेट्स गो। बस रात होने को वेट करते हैं अपन। 12 o'clock midnight। सबके सब इधर सो चुका है। जी मैन, ओके जी मैन तो ऊपर सोया है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन इधर से किसी मशीन के साउंड आ रहा है। इधर क्या चल रहा है? चलो मैं चल के ही देखता हूँ। भाई इनकी बेस काफी अजीब है। और उधर कुछ हो रहा है भाई साहब, उधर क्या चल रहा है? चलो अपन धीरे धीरे चलते हैं। शायद यही है वो वाली मशीन जिससे स्किबिडी टॉयलेट बनता है, पता तो नहीं है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। अपन आ चुके इधर। अरे भाई साहब इधर भी एक स्किबिडी टॉयलेट है और ये पूरी रात भर काम करता है। अगर मुझे इस मशीन को खराब करना है तो पहले मुझे इसको टपकाना होगा। कमान तेरी ऐसी की तैसी। एले तू, चलो इसको तो उड़ा दिया है। इधर क्या एक बार मैं देख लेता हूँ। लेट्स गो लेट्स गो। अरे भाई कितने सारे डेड बॉडी पड़ा हुआ है। मतलब इस मशीन की इस तरफ से डेड बॉडी अंदर जाता है और उस तरफ से क्या निकलता है एक बार चेक कर लेते हैं। और इस तरफ से निकलते हैं स्किबिडी टॉयलेट। ये शायद अभी भी पूरा नहीं हुआ। खैर जो भी हो, बराबर से मैं इस मशीन को उड़ाता हूँ। अपने पास काफी सारे बॉम्ब है। एक लगा दिया, ये लगा दिया। पूरी तरीके से सबको सब मशीन को उड़ा दूंगा मैं। बस इससे पहले किसी को पता चले, पहले मैं इधर से निकल लेता हूँ, फिर अपन पूरी बॉम्ब को उड़ा देंगे। अरे भाई इधर एक बाइक भी रखा हुआ है। बराबर अपन बैठते बाइक में। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। अरे बेवकूफो, सोना बंद करो, टीवी-मैन ने हमारे मशीन को खराब कर दिया है। ऑलराइट, धीरे धीरे सारे के सारे बॉम्ब फूट रहा है। मुझे इधर से जल्दी जल्दी निकलना होगा। कितने सारी चीजें रखा हुआ है, लेकिन अपन भी निकल जाएंगे। कमान कमान। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि टीवी-मैन का प्लान है। खैर उसने हमारी पूरी बेस को बर्बाद कर दिया। अरे बेवकूफ स्किबिडी कलेक्टर, इसने उसको अंदर लाया था। ये तो पहले ही मर चुका है। ओए तुम लोगों के पास जितना टेक्नोलॉजी है, जो भी मिसाइल है, सब कुछ मेरे अंदर फिट करो। मैं पूरी शहर के साथ टीवी-मैन को खत्म करूंगा। उसने हमारे साथ पंगा लिया है। ऑल राइट, अपन आ चुके धमाका कर बाहर। और इनकी बेस था माउंट चैलेट के नीचे। ये तो मुझे पता नहीं था। खैर जो भी हो, अब जी-मैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है। मुझे भी मेरे पावर को बढ़ाना होगा, नहीं तो मैं जी-मैन को रोक ही नहीं पाऊंगा। ऑल राइट, फाइनली अपन इनको ढूंढ लिया है। ये रहा स्पीकरमैन एंड कैमरामैन। ओए मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए। अगर तेरे अंदर थोड़ा सा भी शर्म है तो तू हेल्प की बात मत कर। अरे ये सब मेरा प्लान था। इसी प्लान की वजह से मैं उनकी बेस में घुस गया था और मैंने उनकी बेस के अंदर घुसकर स्किबिडी टॉयलेट बनाने वाले मशीन को उड़ा दिया है। लेकिन अभी जी-मैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है और वो आ रहा है पूरी सिटी को तबाह करने के लिए और हमें मारने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम लोगों के पास जो भी पावर है मेरे अंदर डाल दो। हम क्यों तेरे ऊपर यकीन करे? तूने पहले भी तो हमें धोखा दिया था। अरे अब तो यकीन हो गया। अभी जी-मैन आ चुके सिटी के अंदर, उसको रोकने के लिए मुझे तुम लोगों की पावर चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, इस बार के लिए हम लोग तुझे अपनी पावर को दे रहे। ऑल राइट, देखते हैं हम तीनों की पावर को मिलाने से अपनी पावर कितना छोटा पड़ता है। अरे भाई साहब, हम तीनों की पावर मिलाने से अपन भी इतना बड़ा बन चुके हैं। अब तो मैं जी-मैन को छोड़ूंगा नहीं और अभी मैं ऐसे उड़ भी सकता हूँ। ऑल राइट, चलो जी-मैन की ऐसी की तैसी। अपन भी उड़कर आ चुके सीढ़ी के अंदर। अबे इधर ही तो मार रहा था, कहाँ चला गया ये? अरे मेरे पीछे कैसे आ गया? हमेशा पीछे कैसे आ जाता है। चलो इसको भी मैंने मारा है। एले तू। ऑल राइट, भाई साहब इसने तो मुझे उठाकर ही फेंक दिया है और अभी मुझे मिसाइल मार रहा है। अबे कितने सारे मिसाइल लगा लिया, लेकिन इसके साइज देख रहे हो, मुझसे कितना छोटा ही है। अबे उड़ता कहाँ पर है? तेरी है तू। चलो इसको मैंने भी मारा है। कमान हार जा। इसके पास ये बीम खतरनाक चीज है, लेकिन फिर भी अपन इसको बहुत ज्यादा पीट रहे हैं। अबे मर ना भाई, कितना मार खाएगा। और चलो आखिरकार अपन इसको हरा दिया है। और इसकी बॉडी से गायब कैसे हो गया? नहीं, इस बिल्डिंग के अंदर घुस चुका है। खैर जो भी हो, अपन ने जी-मैन को फाइनली हरा दिया है। और गाइस आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अपन और भी ऑसम वाली GTA 5 की वीडियोस लाएंगे। आप लोग कमेंट में बताओ आपको नेक्स्ट किसकी वीडियो देखना है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।